सो गाइस भाई, अपना माइकल और फ्रैंकलिन दोनों आ चुके भाई। अभी एक कच्ची तगड़ी सी हीस्ट के लिए यहाँ पे आए। लेस्टर ने इनको भेजा है क्योंकि यहाँ पे ना भाई एक बहुत ही पावरफुल टैंक है भाई, जिसकी ओपनिंग मतलब पावरफुल टैंक की लॉन्चिंग वगैरह होने वाली है। तो काफ़ी तगड़ा टैंक है भाई। तो लेस्टर ने बोला कि भाई अपने को वो चुराना है भाई, उसकी हीस्ट करनी है, वो स्टील करना है। तो फ्रैंकलिन और माइकल दोनों आ चुके हैं। फ्रैंकलिन अपनी अल्टो में आया था और माइकल के पास अपनी सुजुकी स्विफ्ट है। भाई दोनों के पास पैसे नहीं, इसलिए छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके घूम रहे। बट माइकल को भाई गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा, क्योंकि एक्चुअली जनरली काफ़ी तगड़ी गाड़ी है भाई। अपने फ्रैंकलिन ने इसको भी ट्यून्ड करा रखा है भाई, काफ़ी तगड़ी चल रही गाड़ी। तो एक काम करते, उसके पास जाके देखते हैं। एक्चुअली फ्रैंकलिन ने तो जाके देख लिया था भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी बता रहा है बहुत तगड़ी है। तो मैंने सोचा मैं भी एक बार पास जाके देख के आता हूँ कैसे क्या। और तुम यहाँ की पार्किंग देख रहे हो भाई, कितनी सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ है भाई। मेरा मन तो करा भाई यहाँ से एक गाड़ी चुरा लूँ, ठीक है, अपने लिए एक फ्रैंकलिन के लिए भी दो गाड़ी चुरा के ले जाते भाई। काफ़ी बड़े बड़े लोग आ रखे यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े लोगों का इन्विटेशन था भाई। तुम देख रहे हो पार्किंग एकदम सुपर कार से भरी पड़ी है भाई, बहुत ही तगड़े बंदे आ रखे। तो एक काम करते हैं यहाँ पे से आके देखते, क्योंकि पास जाने में तो भाई हमारी हालत ख़राब हो सकती थी, इसलिए हम लोग वापस यू टर्न मार के यहाँ पे ऊपर छोटी पे आ गए भाई। ये ऊपर से थोड़ा सा टॉप है, यहाँ से हमको क्लियरली दिख जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने स्नैपर वगैरह निकालता हूँ फटाफट, और यहाँ पे से चेक करता हूँ भाई कि यहाँ पे हम इसको एक बार चेक कर लेते कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, और लेस्टर को इन्फॉर्म कर देंगे फिर कैसे एग्जीक्यूशन करना हमारे प्लान को भाई, इस टैंक को चुराने के लिए। तो वो हम देखेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। तो एक बार भाई यहाँ पे बहुत सारी पुलिस है भाई, बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लोग आ रखे भाई। तो मैंने इसकी पार्किंग देखी, कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियों से भरी पड़ी है। मैं तो बोल रहा हूँ फ्रैंकलिन को भाई कि अपन एक दो गाड़ी चुरा के निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। टैंक वैंक का तो ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी है भाई, आर्मी वाले भी है, मिलिट्री वाले हैं, पुलिस खड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लोग है यहाँ पे। तुमको दिख रहा है भाई अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी है, वो भाई टैंक दिख रहा है कितना तगड़ा दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं लेस्टर का इन्फॉर्म कर देता हूँ, इस लेस्टर से पूछता हूँ भाई कैसे एग्जीक्यूशन वगैरह करना है। उसको कॉल करके अपन पूछ लेते हैं भाई कैसे क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम इस नहीं कर पाएंगे, इसकी जो प्लानिंग है पूरी करेंगे। तो ये सब देखने के लिए भाई तुम एपिसोड देखना, और अभी इसको कैसे इंस्टॉल करना है मोड को, इसके लिए पूरा वीडियो आगे देखो। सो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया फिर आपको अपने गेमिंग अड्डा में। सो भाई लोग, तुमने अभी स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया तुमको कि तुम खुद की एक स्टोरी बना सकते हो ये वाला मोड यूज़ करके भाई, काफ़ी तगड़ा मोड है स्टीलिंग पावरफुल टैंक भाई, ये काफ़ी बढ़िया मोड है। इसके अंदर पूरी आपको सैनेरो सेट मिल जाएगी, इसके अंदर आप इसको यूज़ करके काफ़ी तगड़ी तगड़ी से स्टोरी बना सकते हो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा सैनेरो तुमको बना के बताया कि कैसे बना सकते हो, ठीक है, इतना अच्छा नहीं था बट ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो वो तुम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। ये जो टैंक है ना, ये टैंक तुमको खुद को लोड करना पड़ेगा अलग से शायद, ठीक है, क्योंकि मेरे इसमें नहीं आ रहा था, हो सकता है तुम्हारे इसमें आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये एक तो टैंक ये अलग से हमको इंस्टॉल करना रहेगा, और एक हमारा जो मोड है स्टिल पावरफुल टैंक, जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है ना भाई, यहाँ पे सारी इतने सारे लोग हैं या पुलिस वगैरह खड़ी है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और अगर आप इन पर अटैक वगैरह करोगे तो आपको पीछे पुलिस भी पड़ेगी, पूरी प्रॉपरली चीज़ होगी। सो काफ़ी बढ़िया मोड है। तो फटाफट इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से तुम ये दोनों मोड डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट, ओके। मेरा ये रहा एक टैंक वाला मोड, हम इसको दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे दोनों डाउनलोड हो चुके, ठीक है। और चैनल पे जो भी नया बंदा हो भाई, एक बार मेरे चैनल को चेकआउट करो, अगर आपको हेल्प मिलती है मेरे मोड्स के वीडियो के थ्रू, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि सारे अपकमिंग और न्यू वीडियोस जो आने वाले मोड्स के एंटरटेनिंग वाले, तो तुमको टाइम टाइम मिले और तुम अपने GTA 5 को मोड करके काफ़ी मज़े कर पाओ, ठीक है। सो फटाफट इसको मैं मिनिमाइज करा, अब हमको ओपन करना हमारा डाउनलोड फोल्डर है, हमारा डाउनलोड फोल्डर ओपन हो चुका है, ठीक है। ये दोनों तुमको फाइल दिख रही है हमारी, ये टैंक है और ये हमारा स्टिल पावरफुल टैंक वाला जो पूरा सनेरो सेट है वो है, ठीक है। सो ये दोनों हमारे रार फॉर्मेट में है, इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर तुमको ये वाले मोड्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं तो उसके पहले तुमको भाई अपने GTA 5 की बेसिक जो मोडिंग होती है वो करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है उनको कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जिन लोगों की नहीं करी हुई है ना, जिन लोग पहली बार मोड के वीडियो देख रहा है, कोई भी पहला ही मोड का वीडियो तुम मेरा देख रहे होगा अभी GTA 5 का, या तुमने पहले देखी है मोड नहीं करा GTA 5 को, तो तुमको कुछ बेसिक सी चीज़ अपने इसमें इंस्टॉल करनी रहेगी, बेस रहता है मोड का वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, इसके अंदर सारी चीज़ें प्रॉपरली देख लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना, तभी जाके तुम अपने GTA 5 को मोड कर पाओगे ईजिली, ठीक है। सो इसके बिना भाई तुम मोड नहीं कर सकते, या टैंक या फिर ये सिनेरियो वगैरह नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि तुमको मैन्यू ओपन आई वगैरह सभी चाहिए, ऑलमोस्ट सभी बेसिक है ये चीज़ें ये चाहिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल कर लेना,
ये वीडियो मैंने बताया वो देख के आराम से इंस्टॉल करना, और फिर हम ये वाले मोड के ऊपर आ जाना, ठीक है। ये वाले मोड के ऊपर आए थे हम भी, ये हमारे रा फॉर्मेट है। सो इन दोनों को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक किया, देन इच सॉरी एक्सट्रैक्ट इच एसेट टू सेपरेट फोल्डर करेंगे तो हमारी दोनों ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारे इसमें सिर्फ नोट पैड जैसा दिख रहा है तो तुम्हारे इसमें ना सेवन जिप इंस्टॉल्ड है या फिर विनरार भी इंस्टॉल नहीं है, तो तुम लोगों को इनमें से कोई सा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी तुम इन फाइल को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सेवन जिप या विनरार गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी एक या दो स्टेप में आराम से हो जाएगी, कोई भी कर लेगा, ठीक है। सो हमारे ये हो चुका है, अब हमको ओपन करना हमारा GTFP की मेन डायरेक्टरी और ओपन आईवी दोनों करना है। तो एक काम करते हैं, हम ओपन आईवी ही ओपन कर लेते हैं। ओपन आईवी में डाल बता देता हूँ कैसे डालना है, यहाँ पे भी मेन डायरेक्टरी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डाल सकते हो, ठीक है। सो हमारा मैं ओपन आईवी भी ओपन हो चुका है। ओपन आई वी ओपन ओपन होने के बाद सबसे पहले तुमको एडिट मोड पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है। क्लिक नहीं करोगे तो एडिट नहीं होगा, कुछ मोड वगैरह तुम नहीं डाल पाओगे ओपन आई वी के अंदर। और सेकंड चीज़ भाई, कि अगर अपना ओपन आई वी ओपन कर रखा है या मोड वगैरह डाल रहे हो और पीछे गेम बैकग्राउंड में रन है, मतलब चालू है, तो भी कोई चीज़ें नहीं होने वाली, आपका गेम पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, सारी एप्लीकेशन क्लोज होना चाहिए, गेम से रिलेटेड जो भी जैसे रॉकस्टार की एप्लीकेशन होती है, तो सभी कुछ बंद हो तभी आपका गेम सॉरी तभी आप मोडिंग कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी, एरर आएगा, ठीक है। हमारे ये ओपन हो गया, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम हमारा टैंक इंस्टॉल कर लेते हैं। यार हमारा 2077 वाला जो हमारे ये, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने में हमको दिखेगा एड ऑन वाली फाइल हमको ऐड करना है, 5M नहीं है हमारे पास, अल्टरनेटिव भी हमको नहीं करना, ठीक है। एड ऑन पे जाएंगे, एड ऑन पे जाने के बाद हमको एक और फोल्डर दिख रहा है 2077, ठीक है। इसके अंदर हमको dlc.rpf फाइल है, हमको ये कहाँ डालनी रहती है, dlcp एक फोल्डर के अंदर dlc.rpf फाइल वाला फोल्डर जाता है, ठीक है। ये मैनुअल इंस्टॉलेशन जो होती है उसके लिए हमको क्या करना है, ओपन आईवी के अंदर हम मोड्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन अपडेट फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन x64, देन dlcp पैक हमारा ओपन हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ दिख रही है, मैंने ऑलरेडी डाली है क्योंकि मैं इसको डाल कर टेस्ट किया था कि भाई ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। मेरे इसमें प्रॉपरली वर्क कर रहा है इसलिए मैंने इसको तुम लोगों तक पहुँचा दिया, ठीक है। ओके, सो इसको उठा कर हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हमारे इंस्टॉल हो जाएगा, हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है भाई, हमको खोलना है dlclist.xml वाला पाथ। वो क्या होता है बताता हूँ, यहाँ पे GT5 पे वापस मैन डायरेक्टरी पे आ गए, ठीक है। इसके बाद हमको जाना है हमारे मोड फोल्डर के अंदर, देन जाना अपडेट फोल्डर के अंदर, देन अपडेट डॉट आर पी एफ नाम का फोल्डर मिलेगा तुमको नीचे, यहाँ पे इसमें चले जाना, देन कॉमन में, देन डाटा में, ठीक है। उसके बाद में तुम जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करके तुमको यहाँ पे दिखेगा dlclist.xml, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना, तो ये अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बहुत सबके साथ दिक्कत ये होगी, अगर तुमने एडिट मोड नहीं ऑन एनेबल किया होगा तो यहाँ पे तुमको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और गेम पीछे अगर रनिंग में होगा, रन चल रहा होगा, गेम तुमने चालू रखा होगा, तो तुम्हारा जो ये है dlclist वाली जो है इसके अंदर तुम कोड डाल दोगे बट सेव नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या करना है, तुम इसके अंदर डाटा फोल्डर के अंदर सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, XML टेक्स्ट नाम का सेक्शन है, इसके अंदर सेकंड या थर्ड नंबर पे तुमको मिल जाती है, मैंने यहाँ पे फोर्थ नंबर पे इसको राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। इन कोड्स में कोई छिड़कानी नहीं करनी है, सिंपली सबसे नीचे आ जाना, ठीक है। अब मेरा जैसे ये यहाँ पे कोड दे रखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा जैसे ये पूरा मैंने ओपन किया और ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाली जो भी है इसको कॉपी किया, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ ये नाम जो है ना GTR जो लिखा है स्लैश, दोनों स्लैश के बीच में ये चेंज हमको करना है। कौन सा नाम आएगा, ये जो फोल्डर का जो भी नाम है ना, इसको हम करेंगे रीनेम, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। ये हमारा कोड बन गया भाई पूरा। इसके अंदर हमने क्यों बनाया, क्योंकि भाई इस फाइल के अंदर हमको कोई भी कोड नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर दिया गया होता तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते, बट हमारे पास कुछ नहीं था इसलिए हमने ये चीज़ करी। इससे तुम कोई सा भी कोड बना सकते हो इजीली। बस क्या करना है, पूरी चीज़ सेम रहती है, आइटम डीएलसी पैक पूरा सेम रहता है, बस ये दो स्लैश के बीच में नाम है ना ये चेंज है। तुम सारे कोड देख सकते हो, देखो इसके अंदर ये नाम है, इसके अंदर GTR नाम है, इसके अंदर Q7 क्विड है, इसके अंदर हेक्सा, ठीक है, बाकी पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर सेम, ठीक है। बस ये चीज़ करना है, इसके अलावा कोई तुमको कट नहीं करना, पाथ नहीं हटाना या ब्रैकेट नहीं हटाना, कुछ नहीं करना, इतना कर लेना, इसको सेव कर देना। ये हमारा टैंक इंस्टॉल हो गया, ठीक है। टैंक इंस्टॉल होने के बाद हमको इंस्टॉल करना हमारा सिनेरियो जो हमको भाई चाहिए हमारी GT5 की स्टोरी बनाने के लिए। उसके लिए क्या करना है, ये वाला जो हमने स्टिल पावरफुल टैंक का हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमको मिलेगी XML फाइल, ठीक है। ये कहाँ डालनी है बताता हूँ। अपनी GT5 की मेन डायरेक्टरी ओपन कर ली, तुम या तो अपनी GT5 की मेन डायरेक्टरी उसके अंदर भी ओपन कर सकते हो जो फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर होता है, ठीक है, या फिर ओपन आईवी के अंदर भी तुम यहाँ पे तुमको पूरी मेन डायरेक्टरी ये दिख जाएगी, यहाँ से भी कर सकते हो इजीली, यहीं से बता रहा हूँ मैं,
ताकि तुमको इधर उधर भटकना ना पड़े बार बार। ठीक है, ओपन हो गया। इसके बाद हमको जाना है मेन्यू स्टफ फोल्डर के अंदर। स्टफ फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमको जाना है स्पॉनर फोल्डर के अंदर। देन यहाँ पे हमको इसको सिंपली उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, एक और बार देख लो कहाँ जाना है। हमारी GTFS की मेन डायरेक्टरी ओपन है, मेन्यू स्टफ नाम का फोल्डर मिलेगा। ये डिफॉल्ट नहीं है, अगर आप जब मोड्स वगैरह डालोगे, बेसिक मोड्स, मेन्यू ट्रेनर डालोगे तो ही ये वाला फोल्डर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुमको डालना है पहले, उसके बाद ही तुम ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर पाओगे। तो हमारे ये हमने ओपन किया, मेन्यू स्टफ के अंदर गए, देन हम जाएंगे स्पोनर नाम का फोल्डर के अंदर, देन इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, XML जो भी फाइल होती है वो इसी तरह इंस्टॉल होती है, स्पोनर फोल्डर के अंदर ही जाती है, तो इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं गेम लॉन्च कर लेता हूँ, गेम लॉन्च करके बता देता हूँ। और जो भी भाई इस चैनल पे नया हो, एक बार मेरे चैनल को चेकआउट करो, काफ़ी सारे मोड्स के वीडियो मिल जाएंगे तगड़े तगड़े। आपकी जो भी डिमांड हो मोड्स की, उसके लिए मुझे नीचे कमेंट पिन कर देना, मैं लेके आ जाऊँगा। और लिबर्टी सिटी के लिए मुझे काफ़ी टाइम से भाई मेरे भाइयों के कमेंट्स थे, बट मैं उसका अभी लेके नहीं आ पाया हूँ। बट इस वीक में पक्के से भाई लिबर्टी सिटी वाला जो है अपना वीडियो आ जाएगा, ट्यूटोरियल। मैं पॉसिबिलिटी रखूँगा कि इसके मिड में, अपने वीक के मिड में भाई पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से आ जाए। ठीक है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल से जो आने वाले। ठीक है, मेन्यू ट्रेनर जो है, मेन्यू ट्रेनर का पूरा ब्रीफ बताऊंगा मैं, कैसे क्या यूज़ करना है, कैसे स्टोरी बनाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हम करेंगे इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, रॉकस्टार वीडियो एडिटर कैसे यूज़ करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोट डाउन कर रखी है, उनके ऊपर वीडियो जल्दी से आएंगे। और तुमको कोई भी दिक्कत आती है मोड्स में तो भाई नीचे कमेंट कर देना, उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा मैं अपनी तरफ से भाई। ठीक है, सो हमारा गेम लॉन्च हो रहा है। ओके गाइस, सो हमारे भाई लॉस सैंटोस में, मतलब अपने GTA 5 के अंदर एंटर हो चुके हैं। भाई मैं उसका हेडफोन लगा लेता हूँ भाई। ओके, हमारे हो चुके, तो भाई एक काम करते, सबसे पहले तो ये अपनी बारिश रोक लेते भाई। भाई ये जो वेपन में चले जाए यार। ठीक है, हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब भाई एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं वापस ओपन करके बताऊँगा। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, मेन्यू के थ्रू स्पॉन करनी है सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं तुमको टैंक बताता हूँ मेरा। ठीक है, हमारा हम आ गए यहाँ पे मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर हमारे टैंक आ चुका है, ये वाला देखो, हमारा टैंक प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, ये आ चुका है। ठीक है, हमारा पूरा टैंक आ चुका है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना भाई व्हीकल स्पॉन के लिए, एड ऑन स्पॉनर है ये, काफ़ी अच्छा है, मतलब पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है मेन्यू के कंपेयर में। व्हीकल्स के लिए, सिर्फ व्हीकल्स के लिए इसमें व्हीकल स्पॉन कर सकते हो, काफ़ी इजीली हो जाते हैं। उसके अंदर सॉर्टेड रहते हैं आपके जो भी व्हीकल आपने इंस्टॉल किया वो, और गेम के व्हीकल, तो काफ़ी इजी होता है स्पॉन करना, ढूंढना वगैरह। तो तुम लोग भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो चाहो तो। अगर नहीं देखा है वीडियो या नहीं कर रखा है तो तुम मेरा आई बटन में चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये चेकआउट कर लेना, काफ़ी बढ़िया मोड है। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, मेन्यू ओपन करना है। तो मेन्यू ओपन करने के लिए जो लोग नए हैं उनको, वैसे तो मेरे पुराने वीडियो देख के पता होगा, बट F8 दो बार प्रेस करेंगे तो हमारा मेन्यू ओपन हो जाएगा। एक बार बीप साउंड करेगा, देन हो जाएगा। और जिनका लैपटॉप है उन लोगों को FN+F8 प्रेस करना है तो तुम्हारा मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद तुमको जाना सबसे लास्ट थर्ड नंबर वाले ऑब्जेक्ट स्पूनर पे। ठीक है, उसके अंदर एंटर करने के बाद तुमको जाना मैनेज सेव्ड फाइल पे। देन यहाँ पे तुमको नीचे दिखेगा स्ट्रिलिंग पावरफुल टैंक। वो मिलिट्री चेक पॉइंट्स वाला भी मैंने लास्ट में बनाया था, प्रीवियस वीडियो मेरा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चेकआउट कर सकते। और इन दोनों मोड को यूज़ करके काफ़ी तगड़ी सी तुम स्टोरी बना सकते हो कि तुम्हारा टीम ने टैंक वगैरह वहाँ से चोरी किया और ले जा रहे हो, मिलिट्री बेस है वहाँ पे भाई, चेक पॉइंट्स लगा रखे तुमको पकड़ने के लिए, काफ़ी बढ़िया से तगड़ी सी स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको फटाफट करेंगे, एंटर करा हमने इसके अंदर। इसके अंदर हमको जाना है सेकंड नंबर पे लोड प्लेसमेंट। हमने लोड प्लेसमेंट किया, थोड़ा सा लोडिंग देगा और जो प्लेसमेंट है सारी चीज़ों का प्रॉपरली अरेंज कर देगा पूरा सिनेरियो हम लोगों के लिए। ठीक है, इसके अंदर हो सकता हो टैंक ना मिले, भाई क्या हो गया ये। ठीक है भाई, ये जो तुमको दिख रहा है भाई ये रेस मोड का है, जो मैंने डाला था कि आप रेस वगैरह कर सकते हो उसका, ये उसको मैंने अभी हटाया नहीं इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वेट, बता नहीं क्या भाई क्या ग्लिच हो रहा है इसमें। ठीक है, ओके, सो भाई हम हमारे इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको सारी चीज़ पूरा सिनेरियो पूरा प्रॉपरली दिख रहा है भाई, कितना तगड़ा है। ठीक है, यहाँ पे तुमको टैंक नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टैंक नहीं आया भाई, तो टैंक हमको अलग से लगाना पड़ेगा मे बी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से F5 से इसको जस्ट मिलिट्री देन टैंक, तो ठीक है मैं यहाँ खुद से टैंक लगा देता हूँ, तुम भी लगा देना। ओके वेट, ठीक है ये हमारा टैंक लग गया भाई, यहाँ पे देखो पूरा ये बढ़िया सा लगा हुआ है सीन, और पूरा सिनेरियो बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, एक बार देखो मैं इसको बताता हूँ तुमको, देखो भाई ये पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है इन लोगों ने। देखो यहाँ पे मिलिट्री है, पुलिस है, यहाँ पे दूसरा टैंक लगा रखा है,
ठीक है, इतनी सारी भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे, मिलिट्री वगैरह भी है इतनी सारी, यहाँ पीछे की साइड भी सिक्योरिटी पूरी दे रखी है इन लोगों ने। वेट नहीं, पीछे की साइड नहीं है, आगे आ गई है। ओके सो भाई ये तगड़ा सा मोड है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो कैसे भी अपनी स्टोरी बना के, कि भाई तुम फ्रैंकलिन और माइकल दोनों आए हो। स्टार्टिंग में जैसे तुमको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, उस तरह से यूज़ करके काफ़ी तगड़ी से कुछ भी बना सकते हो। ओके सो इस मोड को इंस्टॉल करो, काफ़ी मज़े करो। प्रीवियस जो मेरा मोड है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये भी डाल लेना, चेक पॉइंट मिलिट्री 3 चेक पॉइंट्स है जिसको तुम यूज़ करके काफ़ी बढ़िया से, इन दोनों को यूज़ करके तो काफ़ी बढ़िया से एक छोटी स्टोरी बना सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा तुम लोगों को। ओके गाइस इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।